इस देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कई कुर्बानियां दी है। वो कोई एक तबके के लोग नहीं थे, हर एक तबके के लोगों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, अपने जानों को कुर्बान की है। जिस सरजमीन पर आज हम खड़े हैं, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने बच्चों को तक गिरवी रखा था। जब इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि जैसी आजादी हमें मिलनी चाहिए थी, आज वैसी आजादी हमें मिली है क्या, ये हमें सोचना चाहिए। आज हमारे ऊपर हर एक चीज पर पाबंदी लगाई जा रही है, हमारे पेट में अंडे पर पाबंदी लगाई जा रही है, खाने पीने पर पाबंदी लगाई जा रही है, धर्म के मुताबिक इबादत करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। क्या यही है आजादी? आज हम कहने के लिए तो आजादी की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमें वो आजादी नहीं मिली है। आज हर जगह जगह पर औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिन्हें इंसाफ मिलनी चाहिए उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। आप लोग देख सकते हो, इसी हमारे हिंदुस्तान के एक मणिपुर राज्य में आज पिछले 3 महीने से लगातार माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं। 200 से ज्यादा चर्चों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, यहाँ तक के दो औरतों को नंगा करकर पूरे गांव में उनका जुलूस निकालते हैं। उनमें से एक औरत रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर की बीवी रहती है। एक 80 साल की बूढ़ी औरत को घर के अंदर जलाया जाता है, जिनके शोहर ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी थी। इसी तरह 18 साल की एक बच्ची को सबके सामने गैंग रेप कर मार दिया जाता है। इसी तरह एक गर्भवती महिला को जो जब वहां के डिपार्टमेंट को यह सवाल करते हैं कि जो हमारी रक्षा के लिए
आजादी मिलेगी। आज हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, आज जो मणिपुर में हो रहा है, अगर हम लोगों ने आज आवाज नहीं हो उठाई तो मैसूर में भी वो वोट आने पर गिर रहे हैं। मैं आखिर में इतना ही कहती हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसा काम कर रही है, इस काम को देखिए, पहचानिए, हमारे खंधे से खंधा मिलाकर हमारा साथ दीजिए, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा, हमें आवाज उठाना पड़ेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। इसके लिए हमें सही सियासतदान चुनने की फिक्र करनी होगी। मैं आखिर में इतना कहती हूँ कि हर एक जुल्म के खिलाफ आप लोग आवाज उठाओ, सभी के खिलाफ आवाज उठाओ। जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय सीपीएम।